हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसकेमिक्स पर। दोस्तों आशा करते हैं सभी बहुत ही बढ़िया हो। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एमआई डिवाइस में जब भी आप न्यू कोई भी एमआई डिवाइस खरीदते हो तो दोस्तों आप लोगों को फोटो डिलीटिंग में कुछ प्रॉब्लम आता है। मान लो ये फ़ोटो को मैं डिलीट करूँगा तो जब भी आप डिलीट करने जाओगे तो इस टाइप का एक बैनर शो होता है जिसमें लिखा हुआ होता है अलाउ गैलरी टू एक्सेस एसडी कार्ड। एंड दोस्तों उसके बाद आप लोग क्या करते हो, यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करते हो एंड गिव परमिशन में जाने के बाद इस पोजिशन में आके आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, अंत तक देखें बिना स्किप किए। दोस्तों यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है जिसमें आप लोगों को घुमा फिरा के बहुत कुछ करने का बोलेगा, लेकिन कुछ कोई कोई वीडियो में वर्केबल है, कोई कोई वीडियो वर्केबल नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग एक क्लिक में ये जो फोटो डिलीटिंग का प्रॉब्लम है ये आप लोग सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों आप लोग क्या करना है मैं बताता हूँ, आप लोग यहाँ पर सेटिंग पे चले जाना है। दोस्तों सेटिंग पे टच करना होगा। सेटिंग पे टच करने के बाद सर्च सेटिंग में आप लोगों को यहाँ पर लिखना होगा स्टोरेज STROGE। दोस्तों स्टोरेज सर्च करके आप लोगों को सर्च करने पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्टोरेज आ गया है, तो आप लोगों को यहाँ पर स्टोरेज पर क्लिक करना होगा। एंड दोस्तों आप लोगों का अगर MI डिवाइस है तो इस टाइप का एक बैनर शो होगा जो पेज होगा, या ये मोबाइल है दोस्तों पोको M2 प्रो तो इस टाइप का एक बैनर शो होता है। तो उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर स्टोरेज जो है इस पर आप लोग क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद आप लोग नीचे देख सकते हैं यहाँ पर तीन चीज़ है, अनमाउंट एसडी कार्ड, फॉर्मेट एसडी कार्ड एंड स्टोरेज सेटिंग। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अनमाउंट एसडी कार्ड, इस पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग क्या करना होगा, आप लोग देखिए आप लोग गैलरी पर फिर से जाइए। गैलरी पर जाने के बाद आप लोग अब अगर डिलीट करोगे फोटो तो डिलीट हो जाएगा। मान लीजिए मैं गैलरी पर आ गया हूँ। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यही फ़ोटो मैं डिलीट करके दिखाता हूँ। दोस्तों मैं डिलीट कर रहा हूँ, देखिए डिलीट हो गया। मैं और एक फिर वो आप लोगों को दिखाता हूँ कि डिलीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो देखिए डिलीट हो गया। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम था बहुत ही एक सिंपल प्रॉब्लम था। एंड दोस्तों ये और एक प्रॉब्लम होता है, आप लोग अगर इस मोबाइल को स्विच ऑफ हो जाता है या तो कोई भी मतलब मोबाइल ऑफ अगर हो जाता है तो फिर से गैलरी में यही प्रॉब्लम होता है। तो आप लोग फिर से वही काम कीजिएगा, आप लोग सेटिंग पर जाने के बाद स्टोरेज पर या पर स्टोरेज सर्च करिएगा। स्टोरेज सर्च करने के बाद आप लोगों को अनमाउंट एसडी कार्ड कर देना होगा। तो दोस्तों फिर से आप लोगों का इस टाइप का फोटो डिलीटिंग प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। एंड दोस्तों आप लोग परमानेंट ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं और एक वीडियो क्रिएट कर दूंगा जिसमें आप लोगों को ये परमानेंट मतलब एक बार आप लोग कर लेते हो तो आप लोगों को कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का वीडियो यही तक था। वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो एक लाइक करें। एंड दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।